करौली जिले के मौरवा थाना अंतर्गत चक्का बस्ती स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर बुधवार रात लगभग 11 बजे कट्टा दिखाकर मारपीट करते हुए 1.5 लाख रुपए लूटने वाले संदेहियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर पुलिस ने अंततः उन्हें ढूंढ लिया। पुलिस द्वारा अपराधियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ तेज कर दिया गया है ताकि और कहां कहां अपराधियों द्वारा अपराध किया गया है उसकी भी जानकारी लेने में पुलिस तत्परता से जुटी है। फिलहाल जिले के कप्तान अभिजीत रंजन व एएसपी प्रदीप शिंदे के मार्गदर्शन में टीआई नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई सघन छानबीन में फरार रहे लूट में शामिल रहे लोगों को अलग अलग स्थानों से नकदी, बाइक व असले कारतूस सहित गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। ये 1 तारीख के रात में चटका शराब दुकान में लूट की घटना हुई थी जिसमें से पुलिस ने मुकदमा जो कायम किया था लूट का, मोरवा थाना से उसकी विवेचना टीआई साहब ने जो किया है और विवेचना के दौरान आरोपी पंकज कुमार साहू को 5 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसे न्यायालय जमानत में भेजा गया जहां से जेल है। उसका एक साथी भैरव साहू अभी भी फरार है। आरोपी के कब्जे से लूट की जो रकम, एक देसी रिवॉल्वर और 4 नग जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं जिस संबंध में 25-27 आदमी से का लूट के साथ में इजाफा जो किया गया है। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।